सौ मित्रों, स्वजनों, विचार क्रांति अभियान अंतर्गत आजना वार्ता वैभव विभाग में आप सौनु स्वागत छे। आजनी वार्ता डॉक्टर राधा कृष्णे प्रामाणिकता नो पाठ सीखवो। मित्रों, आ वार्ता पण मे मारु पुस्तक महामानवनी मानवता माथी लीधेल छे। अपने सब जानी छे के राधा कृष्ण जी एक मानवतावादी व्यक्ति हता, एकदम विद्वान। कदाच एना जीवन नी अंदर एना जे ज्ञान खास करीने मनोविज्ञान नी भूमिका उपर एनु पोतानु जे ज्ञान हतु ए समग्र भारत मां ज नहीं पण सम विश्व नी अंदर पण एनी नामनी गणना थती। तेवो राष्ट्रपति बन्या, पहला उपराष्ट्रपति बन्या, पछी राष्ट्रपति बन्या। ए पहला ए अध्यापक हता, यूनिवर्सिटी नी अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हता। पण जीवन नी एनी जे आखी रहेणी केणी अने जीवन मां ए जे प्रामाणिकता ना पाठो शीखवता अने पोते पण जीवन ने प्रामाणिकता थी करू, ए समग्र मानव जाते नोंध लेवा जेवी बाबत छे। अने एना अनुसंधान मां मारे आ वार्ता पोताना संतानों ने कहवा माटे खास मैं पसंद करी छे। कोई एक वक्ते राधा कृष्ण जी ए वक्ते हजी राष्ट्रपति पण नहोता, एक अध्यापक हता त्यारे बेंगलोर मां रहता था। एमने घरे एमना स्वजनों मुंबई थी आवे छे, चार मोटा हता अने चार बाळको हता। आनंद थी त्या बेंगलोर में पहुंचा अने बधा बैठा था त्यारे ए बधा व्यक्तियों में एक बे व्यक्तियों बहु गुरुता ग्रंथि थी वात करता था कि अमे तो छेक मुंबई थी बेंगलोर आया, टिकट पण लीधी नथी, कोई पण प्रकारनो एक पण पैसानो खर्च थयो नथी, अने मात्र अमारा संबंधोनो उपयोग करी अने अमे कोई पैसों खर्चा वगर छेक बेंगलोर सुधी अमे आव्या छो। केवी रीते आव्या एनी वात तो मारे तमने अत्यारे नथी केवी, पण ए वात फरी फरी ने कहता था त्यारे राधा कृष्ण जी एमने कीधु के आ प्रकारे अप्रमाणिकता नु काम तमे कर्यु, ए वात अहींया बाळकोनी सामे न करो, कारण के मेहमान हता एटले एने बीजी कोई अपमान तो कही शकाय नहीं। के बाळकोनी सामे न करो, बाळकोने आपणे प्रामाणिकताना पाठ शीखवाडवा पड़े, अने आना उपरथी अप्रमाणिकताना पाठ जो शीखशे तो भविष्यनी अंदर ए व्यक्तिओ ए बाळको महान नहीं बनी शके। पण तेम छतां पण पहेला व्यक्तिओ अहममां ने अहममां गुरुता ग्रंथिमां पोताने खूब मोटू काम कर्युं छे, अने पोताना जेवुं काम कोई करी शके नहीं एवी बड़ा साँकता आँकता ए वातो चालू ज राखता था। राधा कृष्ण जी ना मन में थयु के आ वात नहीं मूके, एटले तरत ज एने पोताना नौकर ने बोलाव्या अने एने एम कीधु के तमे रेलवे स्टेशन उपर जाओ अने रेलवे स्टेशन उपर मुंबई थी बेंगलोर नी चार मोटी टिकीट अने चार बाळकोनी टिकीट खरीदी लावो अने मारी पासे आवो, हमणा जाओ। ए तरत जाय छे अने थोड़ी ज वार में नौकर आवे छे, टिकीट आपे छे, त्यारे ए राधा कृष्णन जी आ टिकीट ने हाथ में लई अने फाड़ी नाखे छे। पहला जेना मेहमानो हता ए आश्चर्य अनुभव्यो के तमे टिकीट मंगावी पैसा आप्या ने फाड़ी केम नाखो छो, त्यारे एम कीधु के तमे लोको ए वगर टिकीट अहीं सुधी मुसाफरी करी रेलवे ने नुकसान कर्युं। भारत नी अंदर जो आपणा जेवा माणसो ज होय तो भारत नो विकास कोई दी थई शके नहीं, माटे रेलवे ने कोई नुकसान न थाय एटले प्रामाणिकताना पाठ आ बाळकोने भणावा माटे मैं टिकीट मंगावी अने ए फाड़ी राखी, एटले के तमे लोको मफतमां आव्या हता एनुं वळतर मैं चूकवी दीधुं, आम मारो बतावानो उद्देश छे। मित्रो, विचार तो करो केटली ऊंचाई, मुसाफरी तो पूरी थई गई थी, हवे कोई टिकीट मांगवा आववानुं नहोतुं, पण तेम छता पण राधा कृष्ण एम कीधु के कोई ने पण खबर न पड़े, कोई ने पण अजाण होय तो पण आपणे क्यारे अप्रमाणिकताथी जीवन जीववानो प्रयत्न न करो।
आ बात मात्र पैसा ना अनुसंधान पूरती नथी, आ बात एने अनेक वक्त जुदी जुदी जगह एम पण कीधेलू के तमे कोई पण जगह नौकरी में हो एना नो वड़तर तमने मळतु होय तो ए वड़तर में तमे जो पूरेपूरु काम न करो, पगार पूरो लई लियो तो पण तमे अप्रमाणिक रीते जीवन जीवो छो। कोई ने तमे वचन आप्युं छे के हूँ आ काम करी आपीश अने पछी तमे न करो तो पण तमे अप्रमाणिकतानुं काम कर्युं छे। तमे कोई ने मदद करवा माटे कंईक पण तमे एने आप्युं ए वचन, ए वचननुं पालन पण तमे जो न करो तो तमे अप्रमाणिकतानुं काम कर्युं छे। एटले के राधा कृष्ण जी एम कहता के कोईनुं पण एक पैसानुं पण नुकसान करवुं न जोईए, કોઈની પાસેથી પૈસા ખોટી રીતે આપણને આવી જાય તો પણ એને પાછા આપવા જોઈએ, ક્યારેય આપણે પ્રમાણિકતાના પૈસા સિવાય ક્યારેય લેવું ન જોઈએ, અને આ પાઠ આપણા સંતાનોને માતાએ ભણાવવા જોઈએ, અને માતા જો ભણાવશે તો જ સંતાનોમાં આ તાકાત મળશે। રાધા કૃષ્ણજી એમ કહેતા કે મારી માતાએ આ પાઠ મને ભણાવ્યા છે માટે હું પ્રમાણિક રહી શકું છું, અને એના પ્રમાણિકતાના અનેક દાખલાઓ આપણે અત્યારે તો બતાવવા નથી, પણ આ જ વાત તમામ માતાઓ પોતાના સંતાનને એમ કહો કે ભારતના રાષ્ટ્રપતિ, વિશ્વકક્ષાના તત્વચિંતક અને ફિલોસોફી અને તત્વચિંતકના એની અંદર જે માસ્ટરી, આવા આપણા રાધાકૃષ્ણજીના આજે તો હયાત નથી, પણ તેમ છતાં પણ આપણે એને જે બતાવેલા રસ્તા ઉપર આપણા સંતાનોને મોકલીએ એવી વાત તમામ માતાઓએ કેવી જોઈએ। સૌને ધન્યવાદ।